श्रावस्ती में बीजेपी नेता की सिपाहियों ने की हत्या। क्या हत्या में शामिल लोग समाजवादी पार्टी से रखते हैं ताल्लुकात? श्रावस्ती में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष माता प्रसाद की हत्या से मचा हड़कंप। भाजपा नेता की हत्या से जिले में है तनाव का माहौल। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा हत्यारे समाजवादी पार्टी के है नेता। मामला श्रावस्ती जिले के भिंगा चिकपिहानी के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष माता प्रसाद का है, जिन पर देर रात निमंत्रण से लौटते समय कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा हमला करके उन्हें मरा समझ के सड़क के किनारे फेंक दिया गया था, जिन्हें राहगीरों और परिजनों के द्वारा इलाज के लिए भिंगा के जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि वो जिंदा है, उनकी हालत गंभीर है, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा भाजपा नेता को लखनऊ के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां पर इलाज के दौरान भाजपा नेता माता प्रसाद की मौत हो गई। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा नेता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये कि क्या जो भाजपा के जिला अध्यक्ष महेश मिश्रा ओम के द्वारा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया गया है वो सत्य है? क्या हत्यारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, अभिषेक सोनी, न्यूज एडिट, उत्तर प्रदेश। ये रात में भैया गए रहे आइस खाए वाला नगर के? अरे तो कोटेदार और पंकज और यहाँ रहता हूँ बड़किया और पुत्ती लाल और बहादुर और रहता हूँ यहाँ और 5-6 आदमी रहते का नाई चीनी है और यहाँ से मिलकर मेरा तो हुआ मारे धंधा हुआ गिर गया हुआ भाग कर आए यहाँ और यहाँ मार कर तो कैसे घिर रहा ले गया कोटेदार के कान रहा कोटेदार का माता प्रसाद नाम रहा। तो क्या भाव अब वहाँ से न ले गया जिला अस्पताल से रेफर किए लखनऊ, खत्म हो गया। तो कोई रंजीश वंजीश रहा का पहले? अब भैया इनका रंजीश रहा, झगड़ा लड़ाई भरा है होली में ही, वही 5 साल होली में भरा वही रंजीश इनका चलत रहा। तो गांव वाले घटना करी नहीं का? गांव वाले ना करी नहीं, इनके दुश्मन के ही नहीं है, सभी के ही नहीं, हमारे गाँव वाले। अच्छा, चिपियानी का है ये बर्मा लोग मारे नहीं और बाहरी आदमी रहे उनका नाम गाम नहीं जाने थे भैया।